हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है प्रकाश और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ओपन कोर्ट्स के बारे में। आप ओपन कोर्ट्स कैसे प्ले करें, क्या दिक्कत आती होगी आपको, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। बिगिनर जो ये वीडियो देख रहा है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा वीडियो देखना। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इससे पता लगेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मुझे सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। जो मेरे भाई ये गिटार बजाने सीख रहे हैं अभी, उनको दिक्कत आ रही है, गिटार प्ले नहीं हो रहा है ठीक से, साउंड नहीं आ रहा है ठीक से, ठीक है, तो उनको कैसे उनको वो मोटिवेट हों, उसके लिए मैं थोड़ी सी आपसे बातचीत करूँगा। दो मिनट लूँगा मैं आपके, लेकिन ये दो मिनट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए। दोस्तों जब मैंने गिटार बजाने स्टार्ट किया था ना, तो मुझे भी यूँ लगा था कि यार मुझसे प्ले नहीं होगा, बट इवेंचुअली क्या हुआ कि मैं गिटार बजाना सीख गया। आप भी सीख सकते हैं। मैंने यूट्यूब से सीखा है, मैंने ये यूट्यूब से लेशन देख के सीखे, ठीक है। और मैं भी आपको चाहता हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि आप कैसे सीख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों जब आपने साइकिल चलाना सीखा हो या फिर मोटरसाइकिल चलाना सीखा हो, तो उसमें भी काफ़ी सारी दिक्कतें आई होंगी, लेकिन आपने वो चलाना सीखना छोड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि वो इम्पोर्टेंट था, आपको सीखना था वो। अब जब आप गिटार सीखना चाह रहे हैं तो इसमें भी सेम चीज़ अप्लाई है। नई चीज़ सीखने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन बहुत जल्द आप कब सीख जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज हम बात करते हैं आज के लेशन के बारे में। आज का लेशन है कि मैं आपको बताऊँगा 8 ओपन कोर्ड्स जो कि एक बिगिनर को पता होनी चाहिए, ठीक है। आप रिपीटेडली इन कोर्ड्स की प्रैक्टिस करिएगा, आपको आ जाएंगे। तो आज का हमारा जो पहला कोर्ड है वो है सी मेजर कोर्ड। आज का जो हमारा कोर्ड है पहला वो है सी मेजर। अब सी मेजर कैसे प्ले करना है, एक तो आपको डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो फिंगर है हमारी, फर्स्ट फिंगर, सेकेंड फिंगर, थर्ड फिंगर एंड फोर्थ फिंगर, ये नंबर मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो कुछ। फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड एंड फोर्थ, और ये हैं फ्रेट्स, फर्स्ट फ्रेट, सेकंड फ्रेट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सी मेजर कोड के बारे में कि सी मेजर कोड की क्या पोजिशन है। तो सी मेजर प्ले करने के लिए आपकी ये जो फर्स्ट फिंगर है ये आपको रखनी है फर्स्ट फ्रेट के सेकेंड स्ट्रिंग पर, यहाँ पे, ठीक है, ये साउंड आना चाहिए। अब कोशिश करें कि जो ये जो आपको फ्रेट बार दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रही है, आप इसके क्लोज में रखें इसको थोड़ा सा, ठीक है, और दबाएं इसको ठीक से। जब तक ठीक से दबेगा नहीं साउंड नहीं आएगा, ऐसा साउंड नहीं आना चाहिए, बजे साउंड नहीं आना चाहिए, ये साउंड आना चाहिए। उंगलियों में थोड़ा दर्द होगा दोस्तों, गिटार जब आप बजाना सीख रहे हैं तो दर्द होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये भी यहाँ से हार्ड हो जाएंगे अच्छे से, और आपको फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन शुरुआत में अगर दर्द हो रहा है तो होने दीजिए, ठीक है, आप कोशिश करते रहिए, कोशिश करना मत छोड़िए, ठीक है। तो फर्स्ट फ्रेट के सेकेंड स्ट्रिंग पर आप ये अपनी फर्स्ट फिंगर रख लीजिए, और जो आपकी जो सेकेंड फिंगर है इसको रखिए आप सेकेंड फ्रेट के फोर्थ स्ट्रिंग पर, यहाँ पे, और जो थर्ड फिंगर है उसको रखिए आप थर्ड फ्रेट के फिफ्थ स्ट्रिंग पे, और फिर ये जो ऊपर ये जो फाइव स्ट्रिंग्स हैं इनको आप प्ले करिए। ये हमारा सी मेजर कोड है। अगर आप ये नहीं रख पा रहे हैं, कोशिश करिए, कोशिश करते रहिए, जब जब आपकी मसल मेमोरी हो जाएगी, अच्छे से रेडी हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, तो आप बिना किसी दिक्कत के आप अपनी ये जो फिंगर्स हैं इस पे रख पाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में आपको तो यूं ही रखनी पड़ेंगी, एक एक आप फिंगर रखिए, नहीं पहुंच रही है कोशिश करिए, ट्राई करिए, हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सी मेजर कोड, ठीक है। दूसरा आता है ए मेजर कोड। तो ए मेजर कोड प्ले करने के लिए, अभी ये मेजर और माइनर क्या है इन सब के बारे में आप छोड़ दीजिए, हम बाद में बात कर लेंगे इन सब के बारे में, बट अभी आप ये ध्यान रखिए कि ये जो पोजीशन है, ये जो मैंने आप यहाँ पे रखा है, ये सी मेजर कोड है, ठीक है।
दूसरा ये जो अपनी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ फिंगर है इनको यूज करेंगे हम ए मेजर कोड प्ले करने के लिए। अब ये कैसे करना है, अपनी जो सेकंड फिंगर है वो आपको रख लेनी है, ये तीनों फिंगर आपको सेकंड फ्रेट पर ही रखनी पड़ेंगी इसी फ्रेट में, ठीक है। और कौन कौन से स्ट्रिंग पे, फोर्थ थर्ड एंड सेकंड है, ठीक है। तो ये जो सेकंड फिंगर है ये रख लीजिए फोर्थ पे, ये रख लीजिए थर्ड पे, और जो फोर्थ फिंगर है ये रख लीजिए सेकंड पे, ऐसे। फिर आपको क्या प्ले करना है, यही फोर स्ट्रिंग्स प्ले कर, ये फाइव स्ट्रिंग्स प्ले करना है। ये हो गया ए मेजर कोड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कोड आता है जी मेजर कोड। तो जी मेजर कोड कैसे प्ले होगा, जी मेजर कोड प्ले करने के लिए आपको ये जो अपनी थर्ड फिंगर है इसको रखना है थर्ड फ्रेट के फर्स्ट स्ट्रिंग पे, ठीक है। फर्स्ट फिंगर को आपको रखना है सेकंड फ्रेट के फिफ्थ स्ट्रिंग पे, ठीक है। और जो सेकंड फिंगर है वो आपको रखनी है थर्ड फ्रेट के सिक्स्थ स्ट्रिंग पे, और फिर इन सभी स्ट्रिंग्स को प्ले करना है। ये हो गया जी मेजर कोड, सी मेजर कोड, ए मेजर कोड और जी मेजर कोड। अब हम बात करेंगे ई मेजर कोड के बारे में। ई मेजर कोड प्ले करने के लिए आपको रखने अपनी ये जो तीनों फिंगर हैं इनको यूज करना है फर्स्ट फ्रेट के थर्ड स्ट्रिंग पे, आपको रखने लिए अपनी फर्स्ट फिंगर, आपकी जो फर्स्ट फिंगर है इसको आपको रख लेना है फर्स्ट फ्रेट के थर्ड स्ट्रिंग पे, और जो सेकंड फिंगर है उसको रखना है सेकंड फ्रेट के फिफ्थ स्ट्रिंग पे, और ये जो थर्ड फिंगर है इसको रखना है सेकंड फ्रेट के फोर्थ स्ट्रिंग पे, ऐसे। और सारे आपको ये स्ट्रिंग्स प्ले करने, ऐसे प्ले होगा ई मेजर कोड। उसके बाद आता है डी मेजर कोड। डी मेजर कोड प्ले करने के लिए आपको तीनों फिंगर यूज करनी है, फर्स्ट फिंगर आप रखेंगे सेकंड फ्रेट के थर्ड स्ट्रिंग पे, और फर्स्ट फिंगर रखेंगे आप सेकंड फ्रेट के थर्ड स्ट्रिंग पे, सेकंड फिंगर जो है वो आप रखेंगे सेकंड फ्रेट के फर्स्ट स्ट्रिंग पे, और जो थर्ड फिंगर है वो आप रखेंगे थर्ड फ्रेट के सेकंड स्ट्रिंग पे, ऐसे। ये पोजीशन होनी चाहिए और ऐसे प्ले हो। आपको फोर स्ट्रिंग्स जो हैं ये प्ले करने हैं, ये जो नीचे वाले जो चार जो स्ट्रिंग हैं यही आपको प्ले करने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये हो जाएगा डी मेजर कोड। अब जो ये मैंने आपको बताए हैं सी मेजर, ए मेजर, जी मेजर, ई मेजर और डी मेजर, आप देखिए इनसे एक नाम बन रहा है सी ए जी ई डी, केज्ड, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गिटार का केज्ड सिस्टम। इसमें गिटार की जो कोड्स की जो कुछ ओपन पोजिशंस हैं ये आपको बार कोड प्ले करने में भी काफ़ी काम में आएंगे आगे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सी मेजर, ठीक है, सी मेजर, ए मेजर, जी मेजर, ई मेजर और डी मेजर, सी ए जी ई डी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे माइनर कोड्स की। कितने कोड्स हो गए, फाइव कोड्स मैंने आपको बता दिए। अब जो सिक्स्थ जो कोड है वो है माइनर कोड, वो है ई माइनर कोड। सबसे इजी कोड है ये ई माइनर। ई माइनर प्ले करने के लिए आपको अपनी सेकंड और थर्ड फिंगर को यूज़ करना है। तो सेकंड फिंगर को आप रख लीजिए सेकंड फ्रेट के फिफ्थ स्ट्रिंग पे, और थर्ड फिंगर को आप रख लीजिए सेकंड फ्रेट के फोर्थ स्ट्रिंग पे, यूं। और दबाइए, थोड़ा सा प्रेस करिए आप इनको दबा के, ठीक है। सारे स्ट्रिंग्स आपको प्ले करने हैं, ये ऐसे प्ले होगा ई माइनर कोड, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ए माइनर कोड के बारे में। ए माइनर कोड कैसे प्ले होगा, आपकी जो फर्स्ट फिंगर है आपको रखनी है फर्स्ट फ्रेट के सेकंड स्ट्रिंग पे, सेकंड फिंगर आपको रखनी है सेकंड फ्रेट के फोर्थ स्ट्रिंग पे, और ये जो थर्ड फिंगर है ये आपको रखनी है सेकंड फ्रेट के थर्ड स्ट्रिंग पे, और इन पांच स्ट्रिंग को आपको प्ले करना है। ठीक है, ये हो गया ए माइनर कोड। उसके बाद में आता है डी माइनर कोड। तो डी माइनर कोड प्ले करने के लिए आपको अपनी फर्स्ट फिंगर आपको रखनी है फर्स्ट फ्रेट के
फर्स्ट स्ट्रिंग पे, सेकंड फिंगर रखनी है सेकंड फ्रेट के थर्ड स्ट्रिंग पे, और जो थर्ड फिंगर है वो आपको रखनी है थर्ड फ्रेट के सेकंड स्ट्रिंग पे, इस तरह से। और आपको ये जो नीचे वाले चार स्ट्रिंग है यही प्ले करने हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर आपको इनको फिंगर्स को पोजीशन करने में अगर कोई दिक्कत आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस करते रहिए। आप धीरे धीरे एक एक उंगली रखिए, ठीक है। आप अगर जब इनको प्ले कर रहे हैं तो अगर प्रॉपर साउंड नहीं आ रहा तो साउंड मत आने दीजिए, बट पोजीशन जो है हमें फिलहाल फोकस करना है पोजीशन पे, कि हमारी जो फिंगर्स हैं वो यहाँ पे पोजीशन होने लग जाएं। और एक बार जब पोजीशन होने लग जाएगी तो अब आप प्रेशर लगाइए, अब जोर लगाइए, आप प्रैक्टिस करते रहिए, हो जाएगा। तो हमने कॉर्ड कौन कौन से सीखे हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सी मेजर, ए मेजर, जी मेजर, ई मेजर, डी मेजर, ई माइनर, ए माइनर एंड डी माइनर। तो ये जो कॉर्ड्स हैं ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अभी भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, आप मुझे पूछिएगा, जो भी आपके क्वेरीज हैं, आपके क्वेश्चंस हैं, आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिए, मैं आपके बिल्कुल हेल्प करूंगा। ठीक है, तो अभी चलते चलते मैं आपको एक गाना सुना देता हूं, और फिर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी सपोर्ट मिलेगा मुझे इससे, और मैं भी मोटिवेट होऊंगा, और आप गिटार बजाते रहिए, आप ही मोटिवेट होंगे, कोशिश करिए, हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्ले करते हैं। कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे यारा, बता ना पाए बातें दिलों की, देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाएं।